पुणे का स्ट्रॉन्ग और रिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से इसे महाराष्ट्र का कल्चर और कैपिटल माना जाता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस आज हम आए हैं पुणे के शनिवारवाड़ा में। नमस्कार मंडळी, पेशवा आणि मराठा राजधानी पुण्यामध्ये तुम्हा सर्वस स्वागत। गाइस तो कैसे हो आप लोग, आज हम आए हैं शनिवारवाड़ा में जो पुणे में आया है। तो आज हमारे इस व्लॉग में आप भी जुड़ जाइए, हम आपको पूरा शनिवारवाड़ा दिखाएंगे। इससे पहले जिसने भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस व्लॉग को देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम अंदर जा रहे हैं शनिवारवाड़ा में, पहले टिकट लेनी है और हम अभी टिकट लेंगे। यहाँ पर आपको टिकट लेनी है, आप देखिए, और यहाँ पे टिकट पर पर्सन 25 रुपीज़ है। गाइस शनिवारवाड़ा की स्थापना 1730 में प्रथम पेशवा बाजीराव ने की थी और उस समय निर्माण का खर्चा हुआ था टोटल 16,110 रुपये के आसपास। शनिवारवाड़ा का मुख्य भवन 7 मंजिल का है जो आपको पीछे दिख रहा है, और 1827 में आग लगने के वजह से मोटा मोटी शनिवारवाड़ा नष्ट हो गया था। अभी जो बचे हैं उनके कुछ पार्ट बचे हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो में पूरा दिखा रहा हूँ, और पीछे जो आपको मंजिल दिख रही है वो 7 माले की थी, वो भी जल के ऑलमोस्ट नष्ट ही हो गई है। तो चलिए गाइस अभी हम पूरा शनिवारवाड़ा विजिट करते हैं, चलिए आप भी मेरे साथ। मेन दरवाजा पे 12 इंच के 72 स्पाइक है, आपको फोटो में दिख रहा है। पहले के ज़माने में आक्रमण करते थे तो हाथी से दरवाज़ा तोड़ते थे, तो हाथी की हाइट के बराबर यहाँ पे स्पाइक लगाया हुआ है। गाइस यहाँ के गेट में चांद और सूरज की निशानी रखी है, क्योंकि सूरज वाला गेट दिन में खोलते थे और चांद वाला गेट रात में खोलते थे। गाइस अभी हम जा रहे हैं शनिवारवाड़ा के 7 माले की जो मंजिल थी वो मंजिल पे ही ऊपर जा रहे, पहले फ्लोर पे। वाव यहाँ पे तो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, देखो यहाँ पे बारिश भी हो रही है, मस्त एटमॉस्फेयर है अभी यहाँ पे, मज़ा ही आ रहने वाली है यहाँ पे, तो आज फुल एंजॉय करने वाले हैं। चलिए गाइस शनिवारवाड़ा, जिसने पेशवाओं का सबसे अच्छा काल भी देखा है और पतन भी देखा है। शनिवारवाड़ा ने जितना पावर देखा है उतनी क्रूरता देखी है। यहीं पर नारायण राव की हत्या की गई थी बहुत ही बेरहमी से, उनके ही चाचा रघुनाथ राव द्वारा। गाइस शनिवारवाड़ा में टोटल 5 दरवाजा है। मेन दरवाजा है दिल्ली दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा एंड नारायण दरवाजा है। मैं अभी आपको नारायण दरवाजा दिखाऊंगा। गाइस ये देखिए नारायण दरवाजा। यहाँ के लोगों का मानना है कि हर अमावस्या की रात यहाँ पे नारायण राव की आवाज़ें गूंजती है, काका माला वाचवा, यानी कि काका मुझे बचाइए, और इसे इस प्लेस को हिस्टोरिकल प्लेस भी माना जाता है। चलिए गाइस अभी हम चलते हैं गणेश दरवाजा की ओर, जहाँ पर पेशवाओं की बैठक वगैरह सब कुछ होती थी। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ गणेश दरवाजा की ओर, और हम चलते हैं गणपति रंग महालय की ओर। चलिए पे पेशवाओं की बैठक होती थी, ये आप देख सकते हो, ये शेर के पॉइंट है, ये देखिए आप। गाइस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ शनिवारवाड़ा का ओपन ऑडिटोरियम, यहाँ पर लेजर लाइट शो होता था कोविड के पहले, और कोविड के बाद अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ पे लेजर लाइट शो। तो ये देखिए गाइस, गाइस आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना,
हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और अभी तक गाइस जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।